न्यूज़ में हुआ बैठा को इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है निकल कर आ रही है कानपुर के घाटमपुर से, जहां पर प्रशासन की सह पर कानून और लेखपाल ने अन्नदाता की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर दिलवा दिया। एक तरफ जब दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको चर्चा के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं योगी सरकार के दावों की पोल खोल के रख दी है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने। आखिर किसकी सह पर यह काम किया गया, यह तो अब जांच का विषय बन गया है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट जो हिमांशु विश्वकर्मा द्वारा वहां पर की गई है। अन्नदाताओं को अधिकाधिक सुविधाएं मुहैया कराने के योगी के दावों की उड़ी धज्जियां, शासन की सह पर लेखपाल कानून को ने अन्नदाताओं की खड़ी फसल पर चलवाए ट्रैक्टर हल। जाड़े पाले में खेती करने वाले किसानों के आंखों में आए आंसू। राजस्व माफियाओं के इशारे पर गलत तरीके से मजलूम किसानों के खेतों में हैरो वार ट्रैक्टर दौड़ाने के लगे आरोप। नक्शे वाली जगह के बजाय मजलूम किसानों की जमीन पर चक्रोड निकालने का आरोप। कानून को अनुपमा शेंगर व लेखपाल आलोक वर्मा पर रिश्वत लेकर नुकसान करने का किसानों ने लगाया आरोप। फसल पर ट्रैक्टर व हैरो चलने के चुकंदर आलू व तिलहन की बेसकीमती फसल हुई नष्ट। सही पैमाइश के लिए तहसील में भटकते रहते हैं कष्टकार, वहीं रिश्वत लेकर कानून को लेखपाल करा देते हैं माफियाओं को अवैध कब्जा। कानून को अनुपमा शेंगर रिश्वत लेकर जिंदा व्यक्ति को मुर्दा दिखाकर वरासत करने के आधा दर्जन मामलों में रही है चर्चित। अब कानून को अनुपमा शेंगर को नया चेहरा आया लोगों के सामने। रुकिए, आप लोग मत बोलिए। अब क्या नाम? अनिल चौधरी। घर? आप लोग क्यों ये सड़क जाम किए हैं? हम लोग सर इसलिए जाम किए हैं कि ये जो मेरा साली एक्सपायर किया है यहाँ अस्पताल पे, इसका न्याय के लिए इसका सही अथी कीजिए, हैं फैसला कीजिए। गरीब आदमी हैं हम लोग, को क्या अवस्था है? कोई अवस्था नहीं है। जब हम लोग सरकार के पास में सरकारी अस्पताल में आते हैं तो सरकार के पास आए हैं इसके लिए। तीन बच्चा है उनको, उनके कोई देखने वाले नहीं है, करने वाले कुछ हैं, उनके लिए कोई इंसाफ निकाल दीजिए सर। हम लोग यही चाहते हैं, इसीलिए रोड जाम किए। कैसे हुई थी आपकी साली की? मेरे साली को ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ आया था, ऑपरेशन कराया, जब मृत्यु हो गया तो 2 बजे रात में जाके घर पे छोड़ आया। वहाँ घर पे कोई है ही नहीं, हम लोग को जैसे मालूम हुआ तो हम लोग यहाँ अस्पताल में ढूंढ रहे हैं, एम्बुलेंस लेके वहाँ घर पे छोड़ के आया। हम लोग अस्पताल से खोज के जब गए तो देखे वहाँ घर पे रखा हुआ है। हम पूछे भाई कौन लाया, तो बोला एम्बुलेंस वाले आया यहाँ पर छोड़ के जब यहाँ चला गया। सर इसके लिए फैसला कीजिए, हम लोग इसीलिए रोड जाम कर दिए हैं। लास्ट बरकरार अभी लेकर आए हैं। कौन सी जगह मैक्सिमम पहुंचाने का? भुगतना तो बाल बच्चे को पड़ रहा है, गलती जिसकी भी, जान जिसकी भी जाए, भुगत कौन रहा है अभी वर्तमान में? सर अब तो जो सरकारी प्रावधान है उसी के अंतर्गत आपको हम मदद कर पाए। सर क्या नहीं है? नहीं सर, सरकारी प्रावधान क्या है? सरकारी प्रावधान में है कि इनको पारिवारिक लाभ का जो है वो दिलवाएंगे, दूसरा कबीर और हॉस्पिटल के तरफ से इस तरह के मामलों में बात हुई है तो उनके द्वारा बोला है कि 1.5 लाख रुपये का रिजन है तो वो उनको दिलवाया जाए। सर इनके सर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कोई आर्थिक मदद? सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहां हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज 24।